लक्ष्मी जब पैदा हुई थी तो हमें नहीं लगा था कि वो बचेगी, तो प्री में जो बर्थ था उसकी जो माँ है उसके थनों की हालत आपने देखी है, वो दूध पिला नहीं सकती थी, पर आप इसे करिश्मा कह लो या जो भी कह लो, उसके थनों में दूध उतर आया और लक्ष्मी बच गई। कमजोर थी वो फॉर श्योर, लेकिन फिर भी दूध पी रही थी, लग रहा था कि भाई सब सही रहेगा। फिर अचानक उसकी माँ के थनों में दूध खत्म हो गया, उसको बाहर वाला दूध दिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हरा घास वो इतना खा नहीं रही, उसका टेम्प बहुत ज्यादा गिर गया, हमने उसको ओटी में मूव कर दिया, हीटर लगा दिया। भोपू जो उसकी माँ है वो भी अंदर घुसना चाह रही थी, वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। पर खैर अगले दिन जो है लक्ष्मी खड़ी हो गई, तो हमें लगा कि चल यार, पर फिर वो वाली रात वो नहीं निकाल पाई। मेरी आदत है मैं काफ से अटैच हो जाता हूँ, पहले गुरु था, गुरु से मेरी बहुत बनती थी, वो नहीं बचा, फिर मुन्ना आया, मुन्ना को तो मैं गुरु गुरु कह जाता था कई बारी, फिर वो भी नहीं बचा, बिना माँ के बच्चे बचते नहीं है। लक्ष्मी की माँ थी लेकिन वो उसको दूध नहीं पिला पा रही थी और वो भी नहीं बची, तो एक लेवल पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। पर मुझे लगता है कि मैं शायद उस इमोशन से अब इन टच नहीं हूं, शायद ये काम करना है या एक सर्वाइवल मैकेनिज्म कह लो, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। पेन और सफरिंग इसको मैं ब्लॉक नहीं कर पाता, ये दिखता है मुझे, इसीलिए मैं काम ये करता हूं। पर डेथ को कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करना पड़ता है। माय ओन मॉम पैस्ड अवे 19 नवंबर, मैं दिल्ली गया, मैं एक दिन में दाह संस्कार करके वापस आ गया, आई हैव ब्लॉक्ड इट। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी काम करना है, खासकर ये काम करना है, तो मतलब जो अतीत में है वो अतीत में है, उससे आप कोई सीख ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उस बारे में आप सोचोगे तो जो आपके पास हैं आप उन्हें भी खो दोगे।